हरियाणा चुनाव से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने अब बड़ा दावा किया। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो मेहनत तो कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में इस वक्त लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने प्रदेश में कुछ नहीं किया, आज कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब इस पर पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा है, इनका इतिहास उठाकर देखें तो इनका दलित विरोधी चेहरा जो है वो बेनकाब होता है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। सुनिए। नहीं, सभी कांग्रेस इस तरह का माहौल, सभी कांग्रेस जन मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, अपनी उपलब्धि बताए। जब तो 10 साल उनको यहाँ सरकार में होगी, बीजेपी जेजेपी कहाँ, हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हरियाणा नंबर एक था प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में, कहाँ आज बेरोजगारी में नंबर एक है। आज असुरक्षा कोई अपने आप को महसूस करता। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है।